कहाँ पर भी जा रहा, पूरा रिकॉर्डिंग होते जा रहा है। अच्छा। परेश मेरा नाम है। प्रदीप। केरला से। केरला पे भी गया हूँ, कल परसों मैंने जाकर आया, बहुत ही अच्छा लगा। सो है व्हाट्सअप गाइस, कैसी हो आप सभी, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है पीएम असम 05 ब्लॉग की तरफ, और मैं हूँ आपका परेश भाई। और गाइस आज तो बाहर जा नहीं पाया, तो थोड़ा काम था बाहर ही, सिटी के अंदर ही जाएंगे हम। और खाना बना रहे, देख रहे सब्जी वगैरह काट रही है, और यहाँ पर है चिकन। तो गाइस हम लोग रूम से निकलते हैं अभी, और शाम के टाइम पे गाइस जाने वाला हूँ सिटी के अंदर। और मेरा दोस्त आया है, वो भी अभी यहाँ पर नहीं रहता, वो दूसरे जगह पे रहता है, उसका भी यहाँ पर काम था, हमें मिलने के लिए आया है, और साथ साथ उसका काम भी करना है। और आज तो संडे है, तो गाइस संडे को तो उसका काम हो नहीं पाएंगे, कल उसका काम करो, कल मंडे है, तो आज संडे है, तो ऑफिस वगैरह नहीं खोलेंगे। ऑर्डर करके ऑफिस पे कुछ बनाना था, काम था, तो उसके लिए आए है। और हेलमेट पे जो कैमरा का कनेक्शन था वो पिट करने में बहुत मुश्किल हो रहे थे, और मुझे भी आता नहीं था, अभी नया नया शुरुआत कर रहा हूँ, तो गाइस इतना मुझे नॉलेज नहीं है उसके बारे में। और जो पहले मैंने एक माइक्रोफोन लगाया था, तो उसमें आवाज इतना क्लियर नहीं आ रहे थे, और यहाँ पर अभी देख रहे हो गाइस, मैंने सोचा और एक यूट्यूब पे मैंने सर्च करके देखा कि हेलमेट पे जो ये माइक्रोफोन है, माइक्रो हेडफोन है, उसको कैसे अटैच करते, तो गाइस ये रहा मेरा हेलमेट, आप लोगों को तो दिखाई दिया था। और यहाँ पर मैंने एक सैमसंग का हेडफोन लिया, जैक लगाया यहाँ पर है। और गाइस मैं तो आईफोन से शूट करता हूँ, और मेरे पास तो गोप्रो वगैरह नहीं है, तो गाइस यहाँ पर आईफोन का कनेक्शन अलग से लेना पड़ता है गाइस। और यहाँ के हेडफोन में तो आईफोन का वो जैक है, वो तो खाते नहीं है, तो गाइस ये वाला लगा दिया, आज ट्राई करके ये भी देखेंगे कि इसका साउंड कैसा आता है। और गाइस अभी रूम से निकल जाते हैं पटापट, और अभी शाम भी हो चुके, शाम के बज चुकी है अभी 6:30। आप लोगों को तो मैंने दिखाई दिया था, मैं जो आईफोन लिया था उसका भी कवर वगैरह यहाँ पर हमारे सामने दुकान वगैरह उसमें नहीं मिल रहा है। और साथ साथ आज ये मिलने के लिए आए बहुत दिनों बाद, क्योंकि वो भी अभी यहाँ पर नहीं रहता है, दूसरे जगह पर रहता है, तो गाइस उसको लेके चलते हैं। और उसका काम भी, आधार कार्ड का ऑफिस तो आज संडे है, बंद रहेगा शायद, फिर भी देख कर जाएंगे, और साथ साथ आज इसको यहाँ पर ही रहने देंगे, और कल सुबह जाकर देखेंगे कि क्या होता है, आधार कार्ड के ऑफिस खुला रहेगा तो गाइस उसका भी लाइसेंस वगैरह बनाना है, अभी बहुत सारा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि बाइक तो लेंगे सोच रहे हैं, पर अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना पा रहे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है हम लोग बाहर रहता हूँ दूसरे स्टेट पे, तो गाइस यहाँ पर लोकल प्रूफ मांगते हैं, उसके लिए उसका आधार कार्ड लोकल करना है, उसके बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल पाएगा, अगर लाइसेंस मिल जाएगा तो गाड़ी भी उसका भी लेके आएंगे। उसका बाइक क्यों ले रहा है और मेरा बाइक क्यों लिया यहाँ पर, आप लोगों को उसके बारे में भी बताऊंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से राइड करने वाले आसाम, तो गाइस उसी के लिए हमने सोचा कि प्लानिंग कर रहा हूँ, उसका ड्राइविंग लाइसेंस अगर आ जाते हैं तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। फिर ये भी आज ट्राई करके देखना इसका आवाज वगैरह कैसे आते हैं। और साथ साथ अभी आईफोन का मेरा जो कवर है, मोबाइल का कवर है, ये भी नहीं मिल रहा है, और इसका टेम्पर ग्लास वगैरह जो कुछ भी नहीं डाला है, आज डाल के आते हैं। ये हमारे सामने वाला जो शॉप वगैरह है उसमें तो नहीं मिल रहा, और अभी सिटी के अंदर जाएंगे, सिटी के अंदर जाकर गाइस ढूंढते हैं कि मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। और गाइस अभी यहाँ से निकल जाते हैं, और यहाँ पर करी है हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस को लेकर जाएंगे, क्योंकि इस संडे को तो हम लोग बाहर नहीं जा पाए, और बॉली मैच भी था, तो गाइस मैच वगैरह खेल के आया हूँ, अभी चिकन वगैरह घर रूम के लिए ला के रखा हूँ, अभी निकलते हैं यहाँ से हैप्पीनेस। गाइस मैं यहाँ पर खुद ही कलरिंग वगैरह कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी ब्लू ब्लू लग रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ब्लैक वगैरह बीच में डाल देते, तो गाइस यहाँ पर मैंने खुद ही ये वाला कलर वगैरह लगा रहा हूँ, और साथ साथ इस साइड में भी, यहाँ पर भी देख रहे हो ये वाला और ये वाला, तो गाइस अभी देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना यहाँ पर सभी ब्लू ब्लू लग रहा था, तो गाइस अभी यहाँ से हैप्पीनेस को निकल कर लेके जाते, और आप लोगों को भी मिलते हैं वहाँ तक, जहाँ तक जाएंगे पूरा दिखाएंगे। और आज गाइस कैसे भी करके मेरा मोबाइल का कवर और टेम्पर ग्लास लगा के आना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मोबाइल एक बार गिर भी गया था, तो यहाँ पर खास में थोड़ा क्रच भी आया है, तो सोचा कि आज लेके ही आते हैं। और चलो गाइस रूम से निकल जाते हैं, टाइम लेट होने वाला है, क्योंकि अभी 6:30 बज चुकी है, आगे जा रहा है ट्रेन, तो यहाँ से हैप्पीनेस को लेके निकलते हैं गाइस। मोबाइल का जो कवर वगैरह है उसको भी लेके आना है, और साथ साथ सिटी भी आप लोगों को थोड़ा शाम के टाइम पे घुमाना है, और कि मेरा बाइक का भी थोड़ा काम वगैरह है, सर्विसिंग वगैरह करना है, वो भी धीरे धीरे करेंगे, अभी फिलहाल इतना तो चलाया नहीं है, तो सर्विसिंग किया नहीं, और पेट्रोल भी कम है गाइस, 3 ही खाते देख रहे हो, फिर भी कोई बात नहीं चलेगा, ज़्यादा पेट्रोल तो ये खाते नहीं है। और गाइस देख रहे हो यहाँ पर शाम के टाइम इतने ज़्यादा भीड़ होते हैं कि मुश्किल होता है गाड़ी निकल के लेके जाने, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं गाइस।
शाम के टाइम तो बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर, और वैसे भी यहाँ के रास्ते खराब है क्योंकि ये ब्रिज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस, आप लोग देख ही रहे हो बहुत दिनों से यही ऐसे ही पड़ा है। देखो यहाँ से अभी जाम लगी हुई और यहाँ से लेकर आगे तक, मतलब ये जो ब्रिज के रूट है ना गाइस, यहाँ पर पूरा ट्रैफिक अभी जाम होती है क्योंकि यहाँ पर रास्ते भी थोड़ा सही नहीं है, और साथ साथ ये ब्रिज जब तक कम्प्लीट नहीं होगा तब तक ऐसे रहने वाला है। क्या करे, ऊपर के रास्ते से चले जाए। यहाँ पर शाम के टाइम पे ना गाइस एक नंबर का यहाँ पर भीड़ लग जाती है, मतलब पूरा ब्लॉक हो जाती है, रोड पूरा ब्लॉक हो गया। देख रहे हो ये ब्रिज जब तक कंप्लीट नहीं होगा ऐसे हालत होने वाला है सबकी, मतलब यहाँ से अभी रास्ता थोड़ा खाली होने वाला है, थोड़ा दूर से खींचेंगे। देख लो उस साइड में भी ऐसे ही जाम है, पूरा रोड ब्लॉक है। शाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर, और यहाँ पर वो ब्रिज की वजह से तो बहुत ही मुश्किल हो गया। यहाँ से भीड़ लगी हुई है, यहाँ से भीड़ आगे तो क्या करेगा। और गाइस फाइनली सिटी के अंदर आ चुकी हूँ, और थोड़ा आगे जाना है हमें क्योंकि यहाँ पर तो नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो गाइस ट्रैफिक कैसे हो रखा है। आगे जाना था पर यहाँ से हमें शॉर्टकट लेंगे अभी, और गाइस फिर से देख रहे हो यहाँ पर ट्रैफिक कैसा हो रखा है, पूरा ब्लॉक करता है यार, पूरा ब्लॉक हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है सिटी के अंदर घूमने में। ये रहा कोयम्बटूर सिटी तमिलनाडु की, इसलिए मैं शाम के टाइम पे सिटियों पे घूमने का मन नहीं करता। देखिए तमिलनाडु कोयम्बटूर सिटी यही है, सिटी के अंदर गाइस शाम को बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं घूमने में, और अच्छा भी लगता है। तो मैंने आया था इस साइड पे तो देखा था बहुत सारे मोबाइल के शॉप का, और इसे खबर वगैरह भी सारे देखते थे आईफोन का। फिर इसके बाद आई हूँ यहाँ पर इस तरफ, हैप्पीनेस को यहाँ पर रख देते, और एक शॉप है उसके अंदर जाकर देखते हैं कि शायद मिल सकता है मेरा ख्याल से। अंदर जाकर देखते हैं उसके आते हैं कि मिलेगा या नहीं। भैया मोबाइल कवर है क्या 11 प्रो? तो इसी का चाहिए। तो अभी यहाँ के कवर वगैरह ले लेते हैं गाइस, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं सिटी घुमाएंगे। अच्छा रहेगा ना? हाँ, तो गाइस यहाँ पर भैया ने बहुत सारे कवर निकली है, देखते हैं सब अच्छा है। तो यहाँ पर अभी कौन सा अच्छा लगेगा? सब अच्छा है। और वो हमारे जो सामने वाला वो शॉप था उसमें तो नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर आया हूँ भैया के पास, और यहाँ पर अभी सेलेक्ट करना है गाइस कौन सा अच्छा रहेगा, देखते हैं। चलो आप लोगों को मिलते हैं, पहले ये इसका कवर वगैरह लगा लेते हैं उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। अभी रिकॉर्डिंग अभी इधर होगा या उधर होगा ऑनलाइन में? जहाँ पर भी जा रहा पूरा रिकॉर्डिंग होते जा रहा है, बहुत सारा रूल्स होती है तो वो सारे चीजें फॉलो करके जाना पड़ता है, तो इसी वजह से हम लोग ज्यादा स्पीड भी नहीं जा सकता नॉर्मली अपना हिसाब से, और दिखाते हुए भी जाना पड़ता है। और गाइस भैया के दुकान पे आया था और यहाँ पर अभी मिला हूँ ये और कवर वगैरह, वरना तो अभी पुराना मॉडल हो गया 11 प्रो, तो उसका तो कवर वगैरह यहाँ पर सिटी के अंदर भी मिलना मुश्किल हो चुकी है। सभी यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हो, सभी लोग हर जगह पे, मतलब हर स्टेप पे ऐसा होता है कि अगर आप अच्छा रहते हो तो आपके साथ सभी अच्छा रहता है, आप कुछ गलत करोगे आपके साथ तभी लोग गलत सोचेंगे। तो हर जगह पे जिधर भी आप लोग जाते हो तो गाइस यही उम्मीद है कि सभी सबके साथ मिल के रहना चाहिए। बाहर से बहुत सारे लोग टूरिस्ट के लिए आते हैं, और सभी को टूरिस्ट का जितने भी लोग हैं सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी आप जाते हो सभी अपना ही लोग हैं, तो सबके साथ मिल के रहना चाहिए। परेश मेरा नाम है, प्रदीप केरला से, केरला पे भी गया हूँ कल परसों, मैंने जाकर आया बहुत ही अच्छा लगा, और मानापरम डैम की तरफ उस पर गया था, मानापरम डैम उस साइड गया था, और भैया मिल के बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस अभी यहाँ से निकल जाते हैं और सिटी पे थोड़ा आप लोगों को घुमाएंगे शाम के टाइम यहाँ पर कैसे होती है, क्योंकि अच्छा ये तो सही आप प्रोस्पेक्ट के अंदर सही, आज बहुत भीड़ भाड़ है, अक्षय तीर्थ का बहुत अच्छा प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा एकदम देखने के लिए रौनक है, मार्केट बहुत अच्छा है, रमजान भी खत्म हो गया है, बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा, आपको भी खुशी मिलेगी। चलो गाइस हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं, और अभी बज चुकी है 7:30 बजने वाला, 7:07 हो गया है, तो यहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ा घुमाएंगे आप लोग को सिटी के अंदर। और गाइस चलो बाय बाय अंकल, ठीक है चलो गाइस निकल जाते हैं और यहाँ से सिटी के अंदर आप लोगों को थोड़ा घुमाएंगे। यहाँ पर खड़ी है हमारे हैप्पीनेस, और गाइस ये तमिलनाडु कोयम्बटूर के अंदर बहुत बड़ा सिटी है, ये सबसे मेन पॉइंट है,
तो गाइस यहाँ पर इतने ज्यादा भीड़ होती है कि शाम के टाइम पे देखो बहुत आगे से लेकर जहाँ तक ये है तमिलनाडु कोयम्बटूर का मेन सिटी और यहाँ पर चारों तरफ आपको भीड़ ही देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है शाम के टाइम पे, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है गाड़ी निकलना यहाँ से। तो गाइस यहाँ पर यार आप लोगों को घुमाने आया हूँ और साथ साथ मेरा मोबाइल का जो काम था वो भी कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल आप लोगों को तो पता ही है मैं कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर अभी आप लोगों को वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ। तो गाइस मैं तो अपना स्टेट पे नहीं हूँ, दूसरे स्टेट पे हूँ, बहुत दूर, वो भी 3,500 किलोमीटर दूरी। बहुत ही अच्छा फील करता हूँ यहाँ पर रहकर भी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों को मिलता हूँ सभी अच्छी तरह से बातें करती है, बिहेवियर सभी का अच्छी है। ये है तमिलनाडु कोयम्बटूर के अंदर मेन सिटी, कोयम्बटूर का मेन सिटी ये है। तो देख रहे हो यहाँ पर भी पूरे के पूरे रोड ब्लॉक है। शाम के टाइम पे गाइस पैदल से घूमना अच्छा लगता है यहाँ पर, गाड़ी लेकर तो बिल्कुल जा नहीं पाते, बहुत ज्यादा टाइम लगती है यहाँ पर। 10 मिनट के रास्ते में आधा एक घंटा लगा देती, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है यहाँ पर गाड़ी लेके आना, और हम कैसे भी करके निकल जाते हैं धीरे धीरे। और गाइस वीडियो को ज्यादा देर नहीं करूंगा, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और ज्यादा देर तक हम लोग घूम नहीं पाएंगे, अभी रूम तक पहुँचने के लिए कम से कम आधा एक घंटा तो लग जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी मेरे चैनल पर नया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस मैं आसाम जाने वाला हूँ राइड के लिए, आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और गाइस ये भी सोच रहा हूँ कि जब तक मेरा 1K कंप्लीट नहीं होता सब्सक्राइबर तब तक हम लोग आसाम नहीं जाएंगे। तो गाइस जल्दी जल्दी से सपोर्ट करें, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें, और गाइस साइड वाला बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जब भी मैं नया वीडियो देता हूँ आप लोगों तक जल्दी जल्दी पहुँचे। और गाइस हम लोग आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चलो गाइस।